डॉक्टर सुहेल दलाल फ्रॉम संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल सूरत गुजरात एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर दलाल्स आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बर्निंग हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में जिससे पूरी दुनिया की 10% पॉपुलेशन पीड़ित है। मैं बात कर रहा हूँ माइग्रेन यानी कि सर दर्द के बारे में, जिसे हम गुजराती में आधा सीसी, इंग्लिश में माइग्रेन और नॉर्मल भाषा में सर दर्द कहते हैं। ये एक ऐसा सर दर्द है जिसे आयुर्वेद में सूर्यवर्त नाम के रोग से जाना जाता है। सूर्यवर्त का मतलब होता है कि जैसे जैसे सूरज चढ़ता है ये सरदर्द बढ़ता है और जैसे जैसे सूरज उतरता है वैसे वैसे ये सरदर्द कम होता जाता है। जनरली दोस्तों माइग्रेन में सरदर्द होना, उबाई आना, उल्टी जैसा महसूस होना, कुछ केस में उल्टी हो जाना और लाइट्स यानी प्रकाश का सहन नहीं होना, ये लक्षण पाए जाते हैं। और आयुर्वेद के हिसाब से कुछ कारणों के सेवन की वजह से जब पित्त बढ़ता है वो ब्रेन में वायु के जो गति है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है और उसकी वजह से थ्रॉम्बिंग पेन होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा पेन होता है, उसे माइग्रेन कहा जाता है। अब हम माइग्रेन के बारे में कुछ और जानते हैं। ये एक ऐसा हेडेक है जो सन एक्सपोजर से बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। सूरज की गर्मी में हम जाते हैं तो वो बढ़ने लगता है और इसमें जो हमारी भौहें हैं, ये जो आईलिड्स है उसके आसपास बहुत ज्यादा पेन होता है और कभी कभी इसमें पल्सेटिंग पेन होता है, जैसे कि हमारी पल्स चलती है इस तरीके का लब लब करके अंदर में पेन होने लगता है। कभी कभी सिर के एक साइड में होता है, कभी दोनों साइड में, कभी पूरे सर में भी ये पेन होते हुए देखने को मिलता है और कभी कभी 2 से 3 घंटों से लेकर 2 से 3 दिन तक ये माइग्रेन का रोग, माइग्रेन का सरदर्द जो है वो पेशेंट में चलते हुए देखा जाता है। और ये जो सरदर्द है ये सर से शुरू होकर हमारी नेक और शोल्डर्स तक भी आता है, शोल्डर्स और नेक में भी इसकी वजह से जकड़न महसूस होती है। अब देखते हैं दोस्तों, अगर माइग्रेन अगर किसी को है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। माइग्रेन के पेशेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर हम देखने जाए तो उसको विजुअल डिस्टरबेंस होने लगता है, मतलब के उसको दिखाई देने में कमजोरी लगने लगती है, उसका विजुअल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके अलावा आंखों के सामने ब्लाइंड स्पॉट्स दिखने लगते हैं, उसका जो विजन है वो बिल्कुल ब्लर हो जाता है और आंखों के सामने जिगजैग लाइट दिखने लगती है और कभी कभी बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट दिखती है। उबाई आने लगती है, मतलब करके जोर जोर से पेशेंट जो है वो उबाइयां लेने लगते हैं। दिमाग जो है, माइंड जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। वॉमिटिंग के सेंसेशंस आते हैं, कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाती है और थ्रोबिंग हेडेक होता है, मतलब बहुत भारी हथौड़े लगने वाला हेडेक होता है, उसे माइग्रेन कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों ये माइग्रेन होने के क्या क्या कारण है। माइग्रेन होने का दोस्तों आयुर्वेद के मुताबिक सबसे पहला जो कारण है वो सप्रेशन, नेचुरल अर्जिस का सप्रेशन करना है, मतलब के जो हमारे शरीर के जो नेचुरल वेग है, जैसे कि गैस है या मोशन है या यूरिन है या उल्टी है या छींक है, ऐसे काफी सारे जो वेग होते हैं उनको हम जब प्रेशर लगा के रोक के रखते हैं बॉडी में, उसकी वजह से जो गैस जनरेट होती है उसकी वजह से माइग्रेन होते हुए देखा जाता है। और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी दोस्तों हम देखते हैं कि काफी पेशेंट के अंदर ये कारण देखे जाते हैं। उसके अलावा दूसरा कारण जो है वो हमारी पाचन शक्ति का कमजोर होना, उसकी वजह से भी माइग्रेन होते हुए देखा जाता है। खराब बाहर का खाना, जैसे चाइनीज फूड है या पोल्यूटेड फूड खाने की वजह से, सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा लंबे समय तक सूरज की धूप में काम करने की वजह से, बहुत ज्यादा तीखा तला हुआ खाना खाने की वजह से, बहुत ज्यादा गुस्सा करने की वजह से या जेलसी की वजह से, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होने की वजह से, या तो बहुत ज्यादा ड्राई और सॉल्टी खाने की वजह से माइग्रेन होते हुए देखा जाता है। और कुछ कारण अगर हम देखने जाएं माइग्रेन होने के, तो अल्कोहलिज्म, जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं या बहुत एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं उनको भी माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि कुछ लोगों को चाय कॉफी की आदत होती है और अचानक से चाय कॉफी की आदत छोड़ने की वजह से भी हो सकता है। लेडीज में ऐसा देखा जाता है कि पीरियड्स आने के दिन से पहले प्री मेंस्ट्रुअल हेडेक देखा जाता है। काफी सारे पेशेंट्स हमारी ओपीडी में प्री मेंस्ट्रुअल हेडेक लेके आते हैं, जिनको पीरियड्स के दिनों के शुरुआत के दिनों में, आगे के दिनों में जो हेडेक है वो होता हुआ देखा जाता है वायु की वृद्धि की वजह से। कुछ लोग जो गर्भ निरोधक, कुछ लेडीज गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं, उनके सेवन की वजह से भी हो सकता है।
बहुत कम नींद लेने की वजह से या बहुत ज्यादा नींद लेने की वजह से, दोपहर में सोने की वजह से, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर लेने की वजह से, या तो बहुत ज्यादा आवाज की वजह से, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट की वजह से, और बहुत अगर तीक्ष्ण बहुत खतरनाक स्मेल आने की वजह से, या मेंटल एंजाइटी की वजह से भी माइग्रेन होने को देखा जाता है। और जो लोग फास्टिंग करते हैं, जिनकी गैस वायु की प्रकृति है और वो लोग फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, उन लोगों को भी माइग्रेन का अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कुछ ऐसे फूड है, कुछ ऐसे खाना है जिसकी वजह से भी माइग्रेन होते हुए देखा जाता है। सबसे पहले हम देखने जाए तो बेकरी आइटम्स है, उसके बाद चॉकलेट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, बहुत हैवी नॉनवेज का इंटेक करना, ऑनियन और पीनट्स का इंटेक करना, प्रोसेस्ड फूड जैसे बर्गर पिज्जा वगैरह का इंटेक करना, फर्मेंटेड फूड जैसे इडली डोसा ब्रेड बर्गर का इंटेक करना, और स्पाइसी बहुत ज्यादा तीखा तला हुआ खाना, ये सारे फूड की वजह से भी माइग्रेन होते हुए देखा जाता है। तो दोस्तों ये हमने देखा कि माइग्रेन यानी कि सरदर्द की शिकायत जो है वो किस तरह से होती है और उसके क्या क्या कारण होते हैं। अब देखते हैं कि आयुर्वेद में कौन सी ऐसी रेमेडीज अवेलेबल है, कौन से ऐसे नुस्खे, कौन से ऐसे तरीके अवेलेबल है कि जिससे हम माइग्रेन से निजात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न साइंस में माइग्रेन के लिए बहुत ज्यादा कुछ रास्ते है नहीं, उसमें हम जो है वो सरदर्द की गोली लेके उसको दबा सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद के द्वार पे अगर आप आते हैं तो आयुर्वेद में माइग्रेन के बहुत ही चमत्कारिक इलाज मौजूद है। दोस्तों हमारी डे बाय डे ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स माइग्रेन के हमारे पास आते हैं जो सालों से माइग्रेन के रोग से पीड़ित होते हैं, और आयुर्वेद की लाइफस्टाइल फूड हैबिट और डाइट वगैरह को सजेस्ट और आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा हम माइग्रेन को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कुछ होम रेमेडीज के बारे में। अगर आपको माइग्रेन का दर्द शुरू हुआ है तो मेरा सालों से अपनाया हुआ नुस्खा आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों गाय का घी लेना है, उसको गर्म करके ड्रॉपर में लेना है और दोनों बाजू नाक में दो दो बूंदे डालना है, ऐसे सीधे सो जाना है, सर को नीचे लटका के नस्य की पोजिशन में आपको दो दो बूंदे गाय का घी नाक में डालना है। विदिन 30 मिनट्स आपका जो सर दर्द है वो ठीक हो जाएगा। उसके अलावा आयुर्वेद की टेक्स्ट बुक में से अगर हम देखने जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन आपको इलाज बताने वाला हूं। जो हमारी केसर होती है, सेफ्रॉन होती है, उसकी एक पिंच लेनी है, उसको जो है वो क्लियरिफाइड बटर के अंदर मिक्स करके उसका नस्य करने से भी माइग्रेन जो है वो ठीक होते हुए देखा जाता है। और एक होम रेमेडी मैं आपको बताऊं, कोरिएंडर सीड्स होते हैं, धनिया अखा धनिया जो होता है उसको एक चम्मच लेना है, उसको रात को पानी में भिगो के सुबह निहार पेट उसको छान के उसके पानी का सेवन करना है, उससे भी बहुत ज्यादा माइग्रेन में फायदा होते हुए देखा जाता है। और 5 अलमोंड्स और 5 काली सूखी द्राक्ष जिसको मुनक्का कहा जाता है उसको भी आप उसका भी आप सेवन करेंगे, स्पेशली मुनक्का का सेवन खाना खाने से पहले 5-5 करने से माइग्रेन की शिकायत में काफी फायदा होते हुए देखा जाता है। अब दोस्तों कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में आपको मैं बता दूं कि जो माइग्रेन में बहुत ज्यादा असरकारक सिद्ध होती है। आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा में से सबसे बढ़िया चिकित्सा माइग्रेन के लिए अगर हम देखने जाए तो नस्य चिकित्सा, आप अणु तेल या षडबिंदु तेल जो व्यवहार में प्रचलित है, अणु तेल या षडबिंदु तेल का नस्य दो दो बूंदे आप नस्य कर सकते हैं, उससे माइग्रेन में चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा, अगर पित्त प्रकृति पेशेंट है जिसको पित्त वायु की वजह से माइग्रेन होता है तो उनके लिए तक्कर धारा बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें छाछ के अंदर आयुर्वेदिक औषधि को प्रोसेस करके उसकी सर पे यहाँ पे धार की जाती है और उसकी 8 से 15 या 16 दिन की सिटिंग्स लेने से माइग्रेन के रोग में से बिल्कुल निजात हासिल किया जाता है। जिन लोगों को स्ट्रेस की वजह से सरदर्द होता रहता है, माइग्रेन की शिकायत होती है, उनके लिए तेल धारा शिरोधारा करी जाती है और कुछ लोगों को शिरोलेप किया जाता है, मतलब जो कपूर होता है उसका लेप यहाँ पे सिर पे किया जाता है, उससे भी माइग्रेन में काफी हद तक बेनिफिट देखे जाते हैं। आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्साओं में से विरेचन नाम की चिकित्सा भी करवाई जाती है। जब माइग्रेन बहुत पुराना हो चुका है तो विरेचन करवाया जाता है। विरेचन करवाने से भी बॉडी की प्यूरिफिकेशन ट्रीटमेंट है, पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है और पित्त वायु को अधो मार्ग से बाहर निकाला जाता है, उससे भी माइग्रेन ठीक होते हुए देखा जाता है। एक और बेहतरीन ट्रीटमेंट है जिसको शिरावेद कहते हैं, वेनेसेक्टोमी, जिसमें शिरा जो सरदर्द होता है तो नियरेस्ट साइट की जो वेन होती है उसको पंचर करके उसमें से ब्लीडिंग करवाया जाता है, उससे भी माइग्रेन ठीक होते हुए देखा जाता है। अब मैं आपको
कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में भी बता दूं कि कौन सी आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करने की वजह से हम माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली औषधि का नाम है पथ्यादि काढ़ा। ये पथ्यादि काढ़ा आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। सुबह शाम 15-15 ml खाना खाने से पहले पानी के साथ लेना है। और दूसरी एक टेबलेट, एक गोली का नाम मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, शिरह सुलादी वज्र रस। ये दो दो गोली सुबह शाम खाने के बाद लेने से भी आप माइग्रेन से निजात हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप माइग्रेन की ट्रीटमेंट हमसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हमसे बात करके माइग्रेन की दवाई आपके घर पे मंगवा सकते हैं। आप अपने शहर के नियर बाई आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करके भी माइग्रेन की चिकित्सा करवा सकते हैं। अगर आपको माइग्रेन है, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, आप आयुर्वेद के द्वार पे जरूर आइए, क्योंकि आयुर्वेद में माइग्रेन का परमानेंट सॉल्यूशन है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है वो आपको जरूर कमेंट करके हमें बताना है। और हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना है, आपके दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में, फेसबुक में, आपके सारे सोशल मीडिया सर्कल में इस वीडियो को जरूर से शेयर करना है दोस्तों। और अगर आप कोई टॉपिक पे आगे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम आपको उस टॉपिक पे अगली बार जरूर वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और हमारा फेसबुक चैनल, हमारा इंस्टाग्राम चैनल और हमें यूट्यूब पे, तीनों जगह पे सब्सक्राइब करें और हमें कंटिन्यूअसली फॉलो करें। आपका साथ, आपका व्यूज, आपके विश्वास हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।